की सरकार आशापुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल का और कोविड केयर सेंटर का विज़िट किया। और यहाँ पे हमारा SDM साहिबा, हमारे BCMO साहब, CSC इंचार्ज, सभी लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। पेशेंट से भी मैंने बात करी, पेशेंट द्वारा भी यही बताया गया कि इलाज अच्छे से मिल रहा है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और बेड यदि किसी को चाहिए होता है वो मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी प्रशासन की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम, शिक्षा विभाग के BLO, स्वास्थ्य विभाग के ASHA NM के साथ घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। घर जाके ILI, जिसको सर्दी खांसी बुखार टाइप किसी के लक्षण हैं तो उनको घर पे ही दवा दी जा रही है, ताकि बीमारी जब तक कम है तभी उसका इलाज घर पे हो जाए, तो व्यक्ति को, आदमी को अस्पताल में आने की ज़रूरत नहीं पड़े। और फिर भी यदि कोई ज़्यादा गंभीर लक्षण वाला, बीमारी वाला पेशेंट घर में दिखता है तो उसको सलाह दी जाती है कि तुरंत वो CSC पे भर्ती हो जाए या PSC पे दिखाए। तो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मरीज़ों को दे। और ज़िला लेवल से हम इनको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से देते हैं और सिलेंडर्स भी उपलब्ध कराए हैं। अब ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भी इनको उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही जो पेशेंट्स पहले अपन वो बोर्डिंग हॉस्टल में रख रहे थे, उसकी जगह ये सैटेलाइट हॉस्पिटल के ऊपर का हिस्सा जहाँ पे 25 पेशेंट्स अच्छे से रखे जा सकते, उसके बारे में पूरा अस्पताल प्रशासन को समझाया गया है। और ताकि यहाँ अगर पेशेंट्स रहेंगे तो डॉक्टर्स दोनों जगह ध्यान दे पाएंगे, कोविड के पेशेंट्स पे भी ध्यान दे पाएंगे, कोई कम ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो उसको भी ध्यान दे पाएंगे और बाकी अस्पताल भी संभाल सकेंगे।